इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 8 मार्च को तीसरा ओडीआई मुकाबला होना है। वैसे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले तीसरे ओडीआई के लिए दोनों ही टीम की प्लेइंग 11 के बारे में, टॉस के बारे में, पिच के बारे में, क्या होगी स्कोर लाइन और बैटिंग ऑड्स के मुताबिक कौन सी टीम जीतने के लिए फेवरेट है, कौन सी टीम जीत सकती है इस मुकाबले को। अगर आपको भी जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो हे गाइस, माय नेम इज ऋतिक एंड यू आर वाचिंग फॉलो द ब्लूज। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी सीरीज में 2-0 से टीम इंडिया आगे है। वैसे में टीम इंडिया की कोशिश होगी कि तीसरा वनडे मुकाबला जीतकर सीरीज अपने नाम की जाए। वही ऑस्ट्रेलिया टीम की कोशिश होगी कि तीसरा ओडीआई मुकाबला जीतकर सीरीज में वापसी की जाए। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला खेला जाना है रांची के ग्राउंड में, जो कि एमएस धोनी का होम ग्राउंड भी है। बात करें अगर रांची की पिच की, तो यहां की पिच बॉलर्स और बल्लेबाजों दोनों के लिए अच्छी रहती है। अगर बल्लेबाज सूझबूझ से बल्लेबाजी करे तो बड़े रन खड़े कर सकता है, वहीं अगर बॉलर ने अच्छी गेंदबाजी की तो विकेटें भी झड़प सकता है। टॉस की बात करें तो जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी ही करेगा, क्योंकि हमने इस सीरीज में देखा है कि पहले बल्लेबाजी करते हुए अच्छे रन खड़े किए जा रहे हैं। वैसे में जो भी कप्तान टॉस जीतेगा वो पहले बल्लेबाजी ही करेगा। अगर हम बात करें प्लेइंग 11 के बारे में, तो इस तरीके की होगी दोनों ही टीम की प्लेइंग 11। शुरुआत करते हैं टीम इंडिया से। टीम इंडिया में ओपनिंग करेंगे रोहित शर्मा एंड केएल राहुल। केएल राहुल को शिखर धवन की जगह तीसरी ओडीआई में मौका मिल सकता है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। उनके अलावा होंगे विराट कोहली, अंबाती रायडू, एमएस धोनी जिनका होम ग्राउंड है रांची, उनके अलावा विजय शंकर जो कि पिछले मैच के हीरो थे, उसके अलावा रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी एंड जसप्रीत बुमराह। इस तरीके की टीम इंडिया हमें देखने को मिलेगी तीसरे ओडीआई में। बात करें अगर ऑस्ट्रेलियन टीम की, तो ओपनिंग करेंगे एरन फिंच एंड उस्मान ख्वाजा, जिनके बाद शॉन मार्श, मार्कस स्टोइनिस, पीटर हैंडस्कूप, ग्लेन मैक्सवेल, एलेक्स कैरी जो कि विकेट कीपिंग करते हैं, उसके अलावा नथन कुल्टन नाइल, पैट कमिंस, एडम जंपा एंड एक चेंज देखने को मिल सकता है जो कि है नथन लाइन की जगह टीम में आ सकते हैं जाय रिचर्डसन जो कि बहुत ही बढ़िया फास्ट बॉलिंग करते हैं। ये तो बात रही प्लेइंग 11 की। अगर हम बात करें स्कोर लाइन की, तो इस मैच में हमें दोनों ही टीम की ओर से 260 रन का आंकड़ा पार होता हुआ दिख सकता है। तो अब हम बात करते हैं रिजल्ट्स के बारे में कि तीसरा ओडीआई हमें कौन सी टीम जीतती हुई दिखाई दे सकती है। तो अकॉर्डिंग टू बैटिंग ऑड्स टीम इंडिया अभी भी लीड कर रही है, यानी कि टीम इंडिया जीतती हुई दिखाई दे सकती है तीसरा वनडे मुकाबला। बैटिंग ऑड्स के मुताबिक 80% चांस है टीम इंडिया के जीतने का, वही ऑस्ट्रेलिया के मात्र 20% चांस है तीसरे ओडीआई को अपने नाम करने का। तो ये थे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाली तीसरी ओडीआई के लिए प्लेइंग 11, पिच रिपोर्ट, टॉस, स्कोर लाइन एंड रिजल्ट जो कि हमें देखने को मिल सकते हैं तीसरे ओडीआई में। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक किए बिना तो कहीं मत जाना। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलती रहे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। सी यू गाइस माय नेक्स्ट वीडियो।